गुड मॉर्निंग बच्चों। तो रिलेशन फंक्शन का दूसरा वीडियो हम आपको लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप पहले वीडियो को पढ़े होंगे और फिर उसका ध्यान लगाए होंगे। तो आज आपके सामने हम दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि पिछले दिनों हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे, आप उम्मीद है कि उसको बनाए होंगे। फिर भी हम एक बार इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, देखते रहिए। यही क्वेश्चन था आपको, अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यही क्वेश्चन था, एकदम सेम टू सेम। देखते चलिए बच्चों, देखते चलिए कैसे इसको करना है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास देख लीजिए, इधर एक्स स्क्वायर है, हम बताए थे आपको कंपेरिजन बताए थे, एक्स स्क्वायर है इधर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं, इधर एक्स इधर एक्स, चलो ठीक है। तो हम बताए थे जो चीज़ नहीं रहे उसको लाना पड़ता है, कैसे लाएंगे, तो लाएंगे कैसे, तो उसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो जीरो एक्स स्क्वायर करके बनाएंगे, ठीक है। अब प्लस में क्या है, अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ कंपेरिजन, तो यह हो गया अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया। और दूसरा हमको क्या है, इसका और इसका कंपेरिजन एक्स वाले के साथ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट अल्फा स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट वन, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, वन हो गया, नहीं हो गया वन, देखो तो वन हो गया। अब ये अल्फा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस वन, आपको याद है सेकंड पॉइंट जिसमें हम आपको बताए थे कि जब कोई वेरिएबल का स्क्वायर वन हो तो उसका रूट में आपको दो बार निकालना है प्लस माइनस। अगर आपसे पूछते रूट वन का वैल्यू तो आप वन बोलते, लेकिन आपको पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू तो प्लस माइनस वन। लेकिन ये दोनों किस पर राजी है, ये राजी किस पर है, माइनस वन और माइनस वन दोनों, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। उम्मीद है आप इसको बनाए होंगे, है कि नहीं। चलिए तो आज हम आपको अगले पॉइंट से शुरू करते हैं। हम लोग उम्मीद है कल हम लोग जो है हम लोग पिछले दिनों 8 पॉइंट कर चुके थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बात है, जानते हैं ये छोटा छोटा बात जब आपको खराब लगेगा कब, जब आपको कोई बोल देगा इतना सा बात नहीं जानता, ये छोटा बात नहीं जानता, कोई टीचर तुमको बोल देगा अरे इतना छोटा बात नहीं जानता, तब आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपको ये छोटे छोटे बात, और ये जो है ना जब आप डोमेन बनाएंगे ना, डोमेन अगर हम आपको डोमेन पर सीधे उतार देते ना तो त्राहिमाम हो जाता, त्राहिमाम मतलब आप कहते हाथ खड़े कर देते एकदम, सर कैसे हो गया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस चीज से बचने के लिए हम एक दो वीडियो हम डाल रहे हैं ताकि आपको डोमेन बढ़िया से समझा दें, आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम लोग का पॉइंट है 9, 8 पॉइंट तक हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग पॉइंट नंबर कर रहे हैं 9। तो पॉइंट नंबर 9 है जो आप पढ़े हुए हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं द्विघात समीकरण, उसका सामान्य रूप क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं होता, आप एकदम मन में सोच लिए होंगे होता है, चलिए होता है। आप ये मन में नहीं सोचेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण है जीरो से ज्यादा इसका मान कब होता है, द्विघात समीकरण का मान जीरो से ज्यादा कब होता है, तब हम आपको बता दें कि भाई इसका मान जीरो से ज्यादा तब होता है जब a का मान जीरो से ज्यादा हो और d का मान जीरो से कम हो, a का मान जीरो से ज्यादा और d का मान जीरो से कम। अच्छा ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा तो सर ये इसका कैसे होगा, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान जीरो से छोटा कब होगा, ज्यादा जब ऐसा होगा तो छोटा कब होगा, पूछेंगे आपका दिमाग अभी खुल गया होगा, तो खुल गया तो भाई देखो इसको करना, तब ये क्या होगा कि ए का मान इसमें क्या होगा छोटा और डी का मान भी जीरो से क्या होगा छोटा। अच्छा सर क्या बोले, सर क्या बोले, अरे हम बोल रहे हैं कि भाई द्विघात समीकरण का मान जीरो से ज्यादा तभी होगा जब डी का मान जीरो से छोटा, और द्विघात समीकरण का मान जीरो से कम भी तभी होगा जब डी का मान जीरो से छोटा हो, बात समझ रहे हैं। लेकिन दुनिया वाला क्या कहता है, दुनिया वाला कहता है कि इसका मान जीरो से ज्यादा हो, किसी द्विघात समीकरण का मान जीरो से ज्यादा कब होता है, जब उसके लीडिंग कोएफिशिएंट जो है जीरो से ज्यादा होते हैं। क्या 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 बोल दिए सर, क्या बोल दिए, फिर से बोलिए सर, हेलो फिर से बोलते हैं, अरे द्विघात समीकरण मान जीरो से ज्यादा तब होगा जब a का मान मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब a हुआ, a का मान किससे ज्यादा हो, जीरो से, बात समझ रहे हैं। तो अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण मान जीरो से ज्यादा तब होगा जब लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो से ज्यादा हो, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब a है,
और जीरो का जीरो से कम कब होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो से कम हो, समझ रहे हैं। और दोनों ही केस में डी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो आप याद रखेंगे द्विघात समीकरण का मान जीरो से ज्यादा कब होगा, जब उसके लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो से ज्यादा हो। इसमें अब देखो इसमें भी है, ये देखो जीरो से छोटा है, ए का मान जीरो से छोटा है, और दोनों ही केस में डी का मान क्या है, जीरो से छोटा है। बात में समझ रहे हैं। चलिए ये 9 नंबर छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझाना था, ये बहुत काम का चीज है, जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे डोमेन में तब ये काम आएगा। चलिए अभी इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए हमारे पास एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट है, वो 10th पॉइंट है। क्या है पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर क्या है 10, पॉइंट नंबर 10 बोलता है फार्मूला है। बहुत सारे फार्मूले हैं दुनिया में, लेकिन हमको दो फार्मूला चाहिए, हमको दो ही फार्मूला चाहिए और तो उसी का यूज होता है अधिकतर, है ना। तो फार्मूला हमको चाहिए इसका NCR, आपको पढ़े होंगे 11 परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े हैं, तो पढ़े होंगे। तो NCR को कैसे बोलता है बाबू, बोलता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ऐसा ही तो बोलता है, बोलता है ना। अगर आपको निकालना हो 5C2 तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 n माइनस r, 5 माइनस 2 और ये क्या फैक्टोरियल 2, इस तरह से हो जाता होगा ये। इसको बोलते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको बोलते हैं 3 गुना 2, इसको बोलते हैं 2 गुना 1, तो कितना हो गया बताओ, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6 खत्म, और 2 दुनी 4 कितना हो गया वो 10, 5C2 कितना हो गया 10, इसका याद रखिएगा, है ना। अगर हम आपको बता दें, अगर हम आपको बताते हैं कि भाई 5C0 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर दोनों को घटाएंगे तो 5 फैक्टोरियल और फिर 0 लिखेंगे, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है पता है, 1 होता है। ये हो गया आप 5 फैक्टोरियल खत्म, ये 1 बटा 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, 1 बटा 1 कितना हो गया 1, 5C0 1। अगर आपसे बोले 4C0 कितना होता है तो 1, 3C0 1, 10C0 1, मतलब जो अगर 0 है नीचे में तो उसका आंसर क्या बोल दीजिएगा 1, मेरे बात समझ रहे हैं। चलिए तो इसको अभी जरा सा पेंडिंग में रखते हैं, लेकिन ये मेरे काम का चीज नहीं था, मेरा काम का चीज जो फार्मूला था वो क्या है, वो है कि आपको अगर पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला पता है आपको, आपको जरूर पता होगा। तो कैसे होता है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये हम पूछ रहे हैं आपको इसका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, आपको याद होगा ये वाला, याद है, चलिए याद है। लेकिन हमको चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब को बड़ा ध्यान से देखिए, इसको कैसे हम इसको बना रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम क्या करते हैं पहला ए है, ए का क्यूब लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं 3, और ए का पहले पावर 3 था उसको घटा के 2 कर दिया, बी का पावर को बढ़ा दिए, यहाँ बी का पावर नहीं था, बी का पावर बढ़ा दिए, देखते चलिएगा। उसके बाद प्लस फिर 3 लिखे, ए का पावर घटा रहे हैं यहाँ पर, अब ए 2 को था, अब कितना बचे ए, अब बी बढ़ेगा, तो बी बढ़ गया तो बी कितना हो गया 2, और लास्ट में हो गया बी क्यूब, देख रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, क्या इसमें कहने वाला बात क्या है कि इसमें पावर कितना था 3, तो कितना भाग में टूट गया 4 भाग में, जिसका पावर 3 कितना भाग में टूट गया 4 भाग में। अगर कल को आपको बोले a प्लस बी का होल पावर 4 है, ये कितना भाग में टूटेगा 5 भाग में, ये तो एकदम फिक्स हो गया कितना भाग में टूटेगा 5 भाग में, लेकिन इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये देखिए फिर से a का पावर कितना 4, फिर आगे चलेंगे तो 4 लिखेंगे, और a है तो a का पावर 3 हो जाएगा, b का पावर 20, इसको a को घटाएंगे b को बढ़ाएंगे, अब कितना हो गया, अभी हो गया 6, आप बताइए ए स्क्वायर होगा ये बी स्क्वायर होगा, फिर से लिखेंगे 4, अब एक अब ए हो गया ये बी क्यूब हो गया, अब अगला ए खत्म हो जाएगा बी की पावर 4 हो गया, समझ गए। अब इस तरह से ये बनता है ना। अब हम ये कैसे हो रहा है, तो हम चुपचाप से आपको बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये आपको 4C0 है, ये क्या है आपको 4C0, 4C01 होता है, और ये क्या है पता आपको, ये आपको है 4C1, 4C1 कितना होता है पता 4, और ये आपको क्या है पता 4C2, अब 4C2 को वैल्यू निकालिएगा ना जब, तो आएगा आपको 6,
और ये कितना है पता, 4C3। अब 4C3 का वैल्यू भी क्या होता है 4, और ये क्या हो गया 4C4, इसका वैल्यू हो गया 1। मतलब ये जो आपको कोफिशियंट दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको कैसे आ रहा है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, मतलब पावर जितना रहता उतना से। अगर इसी क्रम में आपको कहेंगे a प्लस बी का पावर 5 करो, तो आप तुरंत से क्या कर देंगे पता, इसको लिखेंगे 5C0, पहले a का पावर 5 लिखेंगे, a से शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5C1, और यहाँ पर a का घटाना है और b को जोड़ना है, b a घटते जाएगा b बढ़ते जाएगा, नहीं समझ रहे हैं। चलिए अब ये देखो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5C2 हो जाएगा, और फिर ये a के पावर 3 और b के पावर 2 हो जाएगा, इस तरह से करो। अब फिर आगे क्या हो जाएगा 5C3, और उसके बाद ये फिर से हो जाएगा आपको a के पावर 2 b के पावर 3, अब ये क्या हो जाएगा 5C4, और ये a और b के पावर 4, और अगला क्या हो जाएगा 5C5 b के पावर 5, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से पता ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है पता, 5C1 कितना होता है 5 होता है, 5C1 5। अब 5C2 कितना होता है, अभी जस्ट किए थे कितना होता है 10। अब 5C3 कितना होता है पता, 5C3 भी होता है कितना 10, और 5C4 कितना होता है 5, अब 5C5 कितना होता है, इस तरह से आपको बनाना है, समझ रहे हैं आप। तो आपको कैसे करना है पता चल गया, तो इतना हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और इतना पैसा खर्च करके हम a प्लस बी का पावर 5 तक अगर खोल ले रहे हैं तो मेरा भाग भाग बन गया है कि नहीं। बहुत सारा पैसा हम लोग खर्च करते हैं और इतना भी नहीं खोल पाएंगे तो बेकार है ना। तो हम लोग आप जो है बहुत सारा खोल सकते हैं, a प्लस बी का पावर 6 करें तो उसको भी हम क्या करते हैं खोल दें, कैसे 6C0, 6C1, 6C3, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, और उसमें हम क्या करेंगे a का पावर बढ़ाते चलेंगे, b का पावर, a का पावर को घटाएंगे, b का पावर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, बात समझ रहे हैं। ये आपको फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बनाने आना चाहिए। ये आपको 10 भी हो सकता है, a प्लस बी टू दी पावर 10 भी हो सकता है, तो आप क्या लिखेंगे 10C0 a के पावर 10, फिर 10C1 a के पावर 9 b आप शुरू हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 10C2 और a के पावर कितना हो जाएगा 8, अब b के पावर 2, मतलब आपको a और b मिला करके टोटल पावर होना चाहिए। देखिए 1 पावर 5 टोटल, यहाँ 4 1 5 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से होना चाहिए। आप मेरे बात समझ रहे हैं, समझ गए। तो ये आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना बात ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगले पॉइंट्स पहले जाने से पहले एक चीज और मेरे दिमाग में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला, ये है a टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टर आपको जानना जरूरी है, इसका फैक्टर आपको बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, इसका फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर मतलब नहीं गुणनखंड, अच्छा क्या बोल रहे सर, इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर होता है 1 पावर 4 a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ये इसका फैक्टर होता है। ये फैक्टर आपको बहुत जरूरी है। अब जरूरी क्यों है, अभी जैसे हम दिमाग में आ गया तो हम आप बता ही देते हैं आपको कि जरूरी इसलिए है क्योंकि कल को जब आपको कोई इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करने दे एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करने बोले तो आपको क्या किया गया है, आपको फिजिक्स वाले सर हैं बताए होंगे डिफरेंशिएशन छोटा छोटा, मतलब यू गुना भी कैसे करते हैं, यू बाय भी कैसे करते हैं, तो आप इसको तुरंत से क्या कर दीजिएगा यू बाय भी में डाल दीजिएगा और मौत के घाट उतर जाइएगा। अगर आप इसको यू बाय भी में कर लिए तो मतलब समझ आपका सामत आ गया, ये आपको कभी आंसर पर टिक नहीं देगा, है ना। इसलिए इसमें जरूरी है कि आपको ये फार्मूला याद रहे, और ये देखिए जो नो फार्मूला है तो कल को हम इसको क्या लिख देंगे, कल को आप सोचो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक एक फैक्टर लिखेंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे, और ये जहाज से क्या हो गया कट गया, और जब कट गया तो आप देखो अपने पास जो बना वो सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो गया। और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, आपको फिजिक्स वाले सर बताए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इतना कम से कम आ रहा है ना, क्योंकि आप तो मेरे सामने है नहीं जो बताने के लिए है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको इतना कम से कम आ रहा है।
तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x का कितना हो गया 1 और 1 का कितना हो गया 0, आंसर हो गया 2x plus 1। जब आप इसको u by v में तोड़ते ना तो आप कभी नहीं ला पाते 2x plus 1, ये आपका मौत आ जाता और आप सोचते कि भाई मैथ हम बेकार ले लिए, मैथ से हमको कोई फायदे नहीं। तो आप अगर तरीके से जाएंगे तो मैथ बहुत हल्का लगेगा, और तरीका ही नहीं रहेगा तो फिर समझ रहे हैं आप। चलिए तो अगला जो है अगला पॉइंट है अपना, ये कौन सा पॉइंट है 10, अगला पॉइंट है 11, 11 पर ध्यान दीजिए। आइए 11 पॉइंट, चलिए 11 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। कहता है क्या, इफ ए बिलोंग्स टू, आप 11 पढ़े हैं, ए बिलोंग्स टू, हाँ पढ़े होंगे, इफ ए बिलोंग्स टू 1, 2, 4, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर ए जो है 1 और 4 से संबंधित है देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा। तो आप सोचे उसके बाद बोले ये क्या है। तो आप सोचने के बाद इसको बोले कि भाई सर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू होगा, आप पूछे ए का मान दिया हुआ, ए स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं, तो 1 का हो गया 1 और 4 का हो गया 16, 4 का कितना हो गया 16। हम बोले ठीक बोले एकदम सही बोले। तब फिर मेरा अगला क्वेश्चन आया ए बिलोंग्स टू -1, 2, 4, तब हम आपसे पूछे ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या, तो फिर आप देखेंगे कि भाई इसको जैसे कि साइन करेंगे तो -1 का स्क्वायर आप बोलेंगे 1, 4 का स्क्वायर बोलेंगे आप 16, तो भाई इसका भी वही, तो कुछ तो चक्कर है, कुछ तो लफड़ा है जो दोनों को सेम आ रहा है कि नहीं। तब हम आपको एक दर्दनाक चीज़ दिखाने वाले, इस दोनों में फर्क क्या है ना। तो समझिए सर ये कैसे हो गया, आप हमसे पूछिएगा ना सर ये कैसे हो गया आप बताइए, चलिए हम बताने के लिए ही। तो आप जो है इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि ऊपर वाला को हम समझाएं, ए बिलोंग्स टू क्या लिखे थे -1 से लेकर 4 तक, और आपसे पूछे हम ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब वीडियो स्किप तो करना ही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा भी स्किप हुआ मतलब समझिए पूरा दिमाग से उतर जाएगा। चलते चलिए, ए स्क्वायर है ये बिलोंग्स टू 1, 2, 4 है, तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर के जगह पर आप जो है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं, एक्स स्क्वायर का क्या बनाना है ग्राफ, समझते चलिए। और आपको अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं पता है तो हम बता देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए ये होता है ग्राफ, आप जान रहे हैं ये इसको एक्स बोलते हैं आप लोग, इसको आप क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं ना, और ये जो होता है ना ये आपका किसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है एक जगह एक्स लिख दिया ए स्क्वायर हो गया। अब आप हमको बताओ कि ए ये जो आपको एक्स अक्ष है ना उसमें ए का मान रखना है, किसका मान रखना है ए का, और ये वाई अक्ष जो देगा ना वो आपको देगा वाई बराबर ए स्क्वायर का मान, किसका मान देगा वाई अक्ष ए स्क्वायर का मान, ध्यान से देखिए। तो ए का मान हम तो एक ए बिलोंग्स टू 1, 4, तो 1 किधर मिलेगा, 1 इधर मिलेगा, किधर मिलेगा जी, हाँ इधर मिलेगा, इधर किधर 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, तो यहां मान लीजिए यहां 1 है, यहाँ कितना दे दिए 1 और यहाँ कितना दे दिए 4, ठीक है। अब ये किसका मान है a बराबर, ये कितना है a बराबर है, a बराबर है तो इसका मान हमको यहाँ खोजना है, ये बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपको a स्क्वायर है ना, यहाँ क्या मिलने वाला है a स्क्वायर, a का बदले 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या मिला 1, और फिर 4, तो 4 के बदले क्या मिला 16, 4 यहाँ से लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू a स्क्वायर, तो a के बदले 4 है तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, नहीं हो गया आप 16 हो गया। तो आप जो है आपका ग्राफ जो है आपका ग्राफ कहाँ कहाँ कहानी कहाँ तक गया, कहानी यहाँ से शुरू हुआ था 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक, तो 1 से 4 तक आप किसका वैल्यू दिए हैं 1 तक, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कहाँ तक कहानी गया ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कहानी चल गया है, किसका कहानी है ये ए स्क्वायर का, 1 से 4 तक ये किसका कहानी है 1 का, और ए स्क्वायर का कहानी किस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है कि नहीं है।
तो आप बताओ कि अगर हम आपको बोले कि भाई ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? वन से लेकर के कहाँ तक? क्योंकि देखिए मिनिमम वैल्यू इसका कहाँ है? वन पर है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? सोलह पर है। कहानी यहीं से यहाँ तक ना गया? अगर आप यहीं से यहीं तक का नहीं यूज हुआ तो एक से लेकर के कहाँ तक चला गया? सोलह तक चला गया है। तो आप एक ये कहानी कहाँ गया? एक से सोलह, और आपने भी ठीक बोला। कहानी चला गया एक से सोलह और आपने भी ठीक बोला, सही है। अब आइए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, ये देखिए ये आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ किसका बनाना है? ग्राफ बनाना है ए स्क्वायर, माने किसका? एक्स स्क्वायर का। ये लीजिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप बताइए हमको ये इस पर आपको क्या रखना है? ए का मान रखना है, तो ए का मान रखना है तो एक कहाँ रखना? माइनस वन, तो माइनस वन ये हुआ, माइनस वन हुए तो माइनस वन ये हो गया। चार कहाँ रखना? चार इधर रखना। ये किसका मान है? ये किसका कहानी दर्शाता है? एक से लेकर के चार तक। ये ग्राफ किसका है? एक से लेकर के चार तक का। अब एक का यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू देने वाला है? ये वैल्यू आपको मिलने वाला है एक। एक माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है? एक एन होता है। अब ये कितना वैल्यू देने वाला है? ये वैल्यू आपको आने वाला है सोलह। तो आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कहानी बना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आप हमको बताओ, सोच करके, एक मिनट सोचो, तीस सेकंड सोचो, और हमको बताओ इस ग्राफ में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपको एक है, ये वैल्यू आपको जीरो है, ये वैल्यू आपको सोलह है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? जीरो। अब मैक्सिमम कितना हुआ? सोलह। तो हम जो हम लेंगे यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम होता है। तो अब जो मेरा ए स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों? जीरो से लेकर के सोलह तक, क्योंकि इस ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। इसमें सबसे मिनिमम कितना है? वन है कि जीरो है? जीरो है। अब मैक्सिमम कितना है? सोलह है कि वन है? तो सोलह है। तो जीरो से क्या हो गया? सोलह हो गया। बात समझ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, ये बता दिए आप, तो हमको ये जरा सा बताइए, कोई बच्चा कल को बोला कि सर ये तो हम समझे, हमको कल को ये बताइए, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, इफ ए बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू फोर देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट? क्यों बोला? अच्छा सर इसको करके दिखाइए, ये सब तो हम समझे, लेकिन ये क्या है इसको जरा सा? तो इसको भी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे भाई? सर तो सब बता दिए, ये आप क्या कर लेंगे, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया। अब बताओ माइनस पांच किधर? माइनस पांच इधर बाई तरफ, चार किधर? चार इधर, चार इधर है कि नहीं? पांच का वैल्यू आप बताओ इसमें, पांच का वैल्यू किस पर देगा भाई? ए स्क्वायर कितना देगा? पच्चीस। चार का वैल्यू कितना देगा भाई? सोलह। आप जब ये सोलह दे दिया तो आपका मन आंसर खोज लिया, खोज लिया कहानी कहाँ तक गया? कहानी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया कहानी। और इस कहानी में सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? तो ए स्क्वायर को बिलोंग, ये ए स्क्वायर का ही कहानी है, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? जीरो। और सबसे बड़का सोलह की पच्चीस, तो कितना हो गया? पच्चीस नहीं हो गया? अब आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप अपने मुझवानी बता देंगे। अगर आप मुझवानी बता देते हैं तो हमको ये करके बताइए कि ए स्क्वायर, सॉरी ए बिलोंग्स टू है माइनस आठ टू फोर, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? तो ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा आप बताओ? तो भाई आठ का स्क्वायर कहाँ जाएगा जी? चौंसठ पर। चार का स्क्वायर कहाँ जाएगा जी? सोलह पर। तो पहले तो मिनिमम वैल्यू लेते थे, मिनिमम कहाँ पर आके गिरेगा? जीरो पर। आज सोलह और चौंसठ में कौन मैक्सिमम है? चौंसठ, ये हो गया चौंसठ। क्यों नहीं समझ में आया? अरे आपको अब समझ में आओगे, इतना बताने के बाद कोई गारंटी है कि आपको समझ में आएगा? चलिए, तो इस ये आपको जो है ये डोमेन है, ये डोमेन। अब हम आपको धीरे धीरे फंक्शन में घुस रहे हैं, तो आपको ये दर्द जरूर हो रहा होगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हम डोमेन में घुस रहे हैं, एक ही बार डोमेन में घुसने पर आप सरेंडर मार देते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करके, एक्सपेंडेबल करके इसको थोड़ा सा आपके पास पहुंचा रहे हैं, ताकि आप मेरे वहां पर विजुअल ना भी हो, एकदम सामने सामने ना भी हो, तो आप इसको कर लीजिए। चलिए अब मेरे पास अगला पॉइंट है, उसको समझिए, इसको मिटाते हैं। अब इसी में हम दूसरे खासियत पर चलते हैं, ये तो ए स्क्वायर था ना, अब इसी में हम चलते हैं दूसरे खासियत पर। अभी कल को बोले हम आपको दे रहे हैं कि भाई y बराबर अगर 1 बाई ए है ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से होता है। हम आपको दे रहे हैं,
थम आपको क्या कर रहा है, दे दे रहा है ऐसे। हम आपको ये ग्राफ दे दे रहे हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये y इज इक्वल टू 1/a का है। और हम ग्राफ दे रहे हैं और आपको सोचना है कि हम बोलते हैं कि इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4 देन 1/a बिलोंग्स टू व्हाट, 1/a बिलोंग्स टू व्हाट, ये हम अपने तरफ से दे दिए। और भी हम दे सकते हैं, y बराबर मॉडल लिख देंगे, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देंगे, y बराबर लॉग a दे देंगे। बहुत सारा फंक्शन है जो कि आपको ग्राफ सीखना है ना। तो जब हम फंक्शन में पहुंचेंगे सारा ग्राफ बताएंगे, लेकिन अभी हम तत्काल एक और देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वन ए बिलोंग्स टू वन माइनस वन फोर है, ए स्क्वायर की जगह अब 1/a है। ए स्क्वायर का ग्राफ इस ढंग से होता था यू और आप 1/a का है ये। अच्छा सर, तो बताइए इसको कैसे करना है, तो कैसे करेंगे अब देखते चलो कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ, यही ना ग्राफ है, ये आपका ग्राफ, ये ग्राफ ये है, ये आपका ग्राफ है। चलो तो इसमें माइनस वन कहाँ है, तो माइनस वन यहाँ है। अच्छा माइनस वन यहाँ है। अच्छा ये बताइए सर चार कहाँ है, लो ये चार यहाँ है। संख्या रेखा तो दर्शाने आता होगा, चार यहाँ है। चलो तो चार यहाँ है, तो आपको यहाँ पर जब वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, तो 1/1 आएगा, तो ए के बदले क्या रखना, माइनस ए। तो ये आंसर क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि 1/-1 और ये जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है वो कैसे आने वाला है, 1/4, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 1/4 क्या हो गया, 4। अब आपका ग्राफ देखो ना, देखने के बाद यहाँ पर है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, 1/1 था, ये ग्राफ लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक उड़ गया। और ये कहाँ तक गया, -1 से लेकर कहाँ तक, कहाँ तक, ये नीचे कहाँ तक जाएगा जी, नीचे आपको बहुत दूर जाकर जाएगा, -∞ तक। और ये ग्राफ देखिए, एक ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, देख रहे हैं। और ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ से कहाँ तक, देखते जाओ कहाँ से कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक, कहाँ से लेकर, 1/4 से लेकर इन्फिनाइट तक। इस तरह से आपका जो 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा पता, ये होगा आपको -∞ से लेकर के -1, क्योंकि सबसे पहले आपको छोटा लिखना है, सबसे क्या लिखना है, छोटा, तब उससे बड़का लिखना है। तो -∞ सबसे छोटा होता है, -∞ से कहां तक है, -1 तक। और फिर यूनियन, अभी तक प्रोसेस कम नहीं, अभी तक आंसर नहीं मिला, इसलिए यूनियन जोड़ के दूसरा भी लिख रहे हैं, ये भी तो है इसका वैल्यू, ये भी तो उधर की ओर जा रहा है। ये वो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपको 1/4 से लेकर कहाँ तक इन्फिनाइट, क्योंकि 1/4 इन्फिनाइट कौन जा कम है, तो 1/4 कम। तो इस तरह से आपको ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बज रहे हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है, इसको समझाना है ना। मॉड ए का फंक्शन है, आपको अगर हम दे देंगे इस तरह से कि भाई देखिए तो मॉड ए का क्या है, फंक्शन है, तो इसका पहले आप ग्राफ जानिएगा तब तो ही कर पाइएगा। तो ग्राफ क्या होता है इसका, तो ग्राफ होता है ये, देख रहे हैं, ये जो होता है ना ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ है, तो वाई बराबर 1/a का ग्राफ, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, काम करना है, नहीं तो आपको हम एक और दिखाई देते हैं, इस पर भी दिखा देते हैं एक और। आपको हम दे दिया, आपको हम दे देते हैं y इज इक्वल टू 1/mod a, और इसका ग्राफ हम आपको दे देते हैं, ये ग्राफ कुछ इस ढंग से चलता है, ये ग्राफ किसका है, y बराबर 1/mod a। और हम पूछ रहे हैं कि इफ, क्वेश्चन है इफ a बिलोंग्स टू -1 to 4, a बिलोंग्स टू -1 to 4 देन 1/mod a बिलोंग्स टू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, -1 यहाँ मिलेगा और 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4। तो इस तरह से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू आपको हो जाएगा 1/mod a है, ये हो जाएगा 1/-mod a, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ का वैल्यू क्या होगा पता, 1/mod 4, और 1/mod कितना हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 हो गया, ये हो गया 4।
इस तरह से ये वैल्यू आपको कितना हो वन आपका, और ये वैल्यू कितना हो गया वन बाई फोर। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वन बाई फोर से ऊपर की ओर, देख रहे हैं। और ये वन से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, और ये वन बाई फोर से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। अच्छा तो दोनों दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तो दोनों किस पर राजी है, तो दोनों किस पर राजी है, वन से लेकर एक चीज़ है आपको वन से लेकर के इन्फिनाइट तक, और एक चीज़ है आपको क्या चीज़, एक चीज़ है आपको वन बाय फोर से लेकर के इन्फिनाइट तक। तो दोनों किस पर राजी होगा बताइए, वन बाय फोर नीचे है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, वन उसके ऊपर है, तो इसके क्रम में जाते जाते आपको वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाते हुए आपको वन, वन बाय फोर से जाते हुए वन मिलेगा, तो वन मिल जाएगा। तो दोनों राजी किस पर है, वन पर है, मतलब आपको दोनों एक ही वैल्यू लेना है। तो वन बाय फोर से जब ऊपर जाइएगा तो कहीं ना कहीं वन आएगा ना, लेकिन वन से ऊपर जाइएगा तो वन बाय फोर आएगा, नहीं ना आएगा। तो वन बाय फोर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो वन आएगा, इसका मतलब वहाँ द्वारा दोनों कंपनसेट करेगा। तो दोनों का वैल्यू आप क्या ले लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पता, वन बाई मॉड ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वन टू इन्फिनाइट। यहाँ पर दो वैल्यू, वन से इन्फिनाइट, वन बाय फोर से इन्फिनाइट, दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों किस पर राजी है, तो दोनों किस पर राजी है भाई, वन से लेकर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन अगले पर ले चलते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अब अपने पास है पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर क्या है 12, और इसका नाम है इंटरवल, अंतराल, इंटरवल, इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराल। अपने मैथ किताब में दो तरह का इंटरवल जनरली, मतलब तो एक इंटरवल को हम लोग बोलते हैं इसको, ये देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन, अच्छा इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, अच्छा छोटी ब्रैकेट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक, इसको जानते हैं लिखते कैसे हैं मजेदार में, इसको हम ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल, ऐसे लिखते हैं ताकि ये पहचान में आ जाए कि ये ओ है, तो ओपन हो गया छोटी ब्रैकेट जैसे, है ना। चलिए दूर का बात है, और दूसरा हम लोग इसको इस पर बोलते हैं क्लोज, इसको बड़ी की ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड, क्लोज इंटरवल, हिंदी में इसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल, और इसको बोलते हैं बंद अंतराल। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। चलिए अच्छा सर, सर इसका क्या खासियत है सर, क्या होगा इससे, अच्छा तो इसका कुछ मीनिंग है, क्या मीनिंग है बताते हैं आपको, इसका मीनिंग क्या है। ओपन इंटरवल जब आपको कहे तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एक्स जो है मान लीजिए एक है चार है, एक्स का मान क्या है, एक से ज़्यादा है चार से कम है, एक से लेकर ज़्यादा है चार से कम है, तो इसका मतलब है क्या कि एक्स का मान एक के बराबर हुआ, क्या एक्स का मान चार के बराबर हुआ। आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि एक्स का मान एक के बराबर नहीं है, ना ही किसके बराबर है, चार के। एक्स का मान बोलता है एक से ज़्यादा और चार से कम, एक से ज़्यादा बोलेंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा, चार से कम बोलेंगे चार आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है, इस खुला अंतराल का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला इंटरवल है एक और चार, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है, मतलब ये हो गया आपको इस तरह से x बिलोंग्स टू वन से लेकर चार तक, मतलब ये वन और चार इसमें इंक्लूड सम्मिलित नहीं है, वन और चार के बीच में जो नंबर है ना वो होगा, लेकिन वन और चार नहीं होगा। अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, आप याद रखेंगे, है ना। क्लोज मतलब क्या होता है कि इसी चीज को हम लोग ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए तो एक्स का मान बोलता है कि एक से ज्यादा और एक के बराबर भी, देख रहे हैं इक्वल है, एक्स का मान एक से ज्यादा और एक के बराबर, और चार से कम और चार के बराबर, इसका मतलब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक से चार। इस दोनों में क्या फर्क है, इस दोनों में फर्क है कि क्लोज इंटरवल में एक और चार सम्मिलित होने के साथ साथ बीच वाला भी सम्मिलित है, और इसमें एक और चार सम्मिलित नहीं है, उसके बीच का नंबर सम्मिलित है, नहीं आया। अच्छा अच्छा सर इसको हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग, कोई बच्चा बोला भूल जाते हैं कैसे करेंगे सर, याद ही नहीं होता है, याद नहीं होता है तो हम आपको बताते हैं, एक कहानी बताते हैं। आप बाजार गए शूज़ खरीदने, जूता नहीं आपके पास, जूता खरीदने गए तो वहाँ दो केस हो गया, मैथ के भाषा में कहानी बताएंगे हम बाबू। तो जूता है आप खरीदने गए और तब तो वहाँ पर आपको दो केस हो गया, दो केस क्या हुआ कि एक केस में आप पिताजी के साथ गए,
जूता खरीदने आप पिताजी के पास गए और पिताजी के बोले थोड़ा डरते हुए कि पिताजी हमको ये जूता पसंद है, जूता खरीद दो। पिताजी बोला चल तो पैसा नहीं है। पिताजी क्या बोला, पैसा नहीं है, चलो तो तुम लोग भी तुम भी छोड़ दिया, चलो नहीं कोई बात नहीं चलो। आप दूसरा केस है कि आप तुम जूता खरीदने गया तेरे बड़का भाई के साथ, एल्डर ब्रदर के साथ गया, एल्डर ब्रदर के साथ, और वहां पर गया और भाई से बोला भाई चल जूता खरीदवा दो ना, तो भाई बोला पैसा नहीं है पैसा नहीं है। तो तुम उसको क्या किया, ऐसे गल्ला में हाथ लिया, बोला नहीं ना कैसे नहीं है पैसा, हमको खरीदवा दो इस खरीदवा दो। तो उसको तुम छोड़ा नहीं ना, उसको क्या कर दिया, इंक्लूड किया। तो ये क्लोज है, वी आर क्लोजली ब्रदर, एल्डर ब्रदर और जो है यंगर ब्रदर आपस में क्लोजली होते हैं, और फादर और जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा दूर दूर रहता है। तो ये जो ओपन ब्रैकेट है ये फादर के जैसा है, ये बोला कि 1 और 4 हम आपको नहीं रखेंगे, 1 और 4 आपको नहीं रखेंगे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं हमको मत रखो है, लेकिन ये क्या है एल्डर ब्रदर के जैसा है, तो 1 और 4 इसको लेकर चलना, इंक्लूड लेकर चलना, नहीं चलवे करो तुम, 1 से लेकर क्या हो गया 4 हो गया, बाद में ना समझ रहे। तो ओपन में आपको जो लास्ट के होते हैं पॉइंट नंबर वो इंक्लूड नहीं होते, और ये जो क्लोज है वो आपको क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे संख्या रेखा आप दर्शाएंगे, तो इसका संख्या रेखा आप कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा आप दर्शाएंगे यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे, यही ना संख्या रेखा होता है, 4 लिख दिए, अच्छा सर क्या हो गया। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे 1 को लेना है कि नहीं लेना है, 4 को लेना है कि नहीं, तो नहीं लेना है तो उसके ऊपर व्हाइट बॉल, देखिए समझते रहिए, अगर आपको 1 नहीं लेना है तो उसके ऊपर व्हाइट बॉल, 4 भी नहीं इंक्लूड है तो जो इंक्लूड नहीं है उसके बदले क्या व्हाइट बॉल, और जो बीच का नंबर है वो तो इंक्लूड है ना, तो उसके लिए आप इस तरह से इसको कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई 1 नहीं है 4 नहीं है और बीच का नंबर है, बीच में जितना भी नंबर 1 और 4 के बीच में असंख्य नंबर है। आप पढ़े होंगे 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, 1 और 4 के बीच में अनंत। अगर हम इसकी बात करें, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या होगा पता, अरे लो ये 1 हो गया, अरे सॉरी ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको हम लोग ये और 1 4 इंक्लूड है कि नहीं, आपका दिमाग बोला ना इंक्लूड है, इंक्लूड है तो बच्चों यहाँ पर इसको ब्लैंक, व्हाइट बॉल मतलब इंक्लूड नहीं है, ब्लैंक मतलब इंक्लूड है, ब्लैंक कर दिए मतलब इसको घेर दिए तो इंक्लूड है, और इसके इसको भी कर दिए तो क्या हो गया ये इंक्लूड हो गया। इसका मतलब इस संख्या रेखा दर्शाने का मतलब हो गया कि 1 और 4 भी शामिल है और उसके बीच का भी नंबर शामिल है, और इसमें क्या है कि 1 और 4 शामिल नहीं है, उसके बीच का नंबर क्या है शामिल है, बात मेरा समझ रहे हैं, एकदम साफ सुथरा आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा इतना बात आप समझ गए, तो इतना बात समझ गए हैं तो आप इसको जरा देखें, यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालें कि भाई आपको हम कह दिया कोई कि भाई सर हाँ बच्चा ये बताओ x greater than equal to 1 है, इसको जरा संख्या रेखा दर्शाओ, इस पर नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर दर्शाएंगे तो आपका दिमाग चकरा गया, अरे कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं आपके पास पहली बार आया है ये, है ना, और ये हम आपको बेसिक में लेके चल रहे हैं, आपको हम बेसिक में लेके चल रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जा रहा, आप नहीं जानते हैं तो इसको सीख लीजिए क्योंकि ये डोमेन में बहुत काम आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए ये कितना है 1 है ना, ये 1 है, तो ये देखो बच्चों बताओ हमको कि x 1 के बराबर है कि नहीं है, है, इसका मतलब 1 शामिल करें कि नहीं करें, शामिल करना तो शामिल जैसे ही करेंगे तो 1 भी शामिल हो जाएगा, और ग्रेटर देन बोल रहा है तो ग्रेटर देन मतलब कहां तक चला जाएगा, बहुत दूर चला जाए, इसको हम लोग इस तरह से संख्या रेखा दर्शाएंगे, है ना। तो अगर कहीं पर लगा रहे इस तरह से x इक्वल टू का साइन लगा रहे तो इसका मतलब वो शामिल है, उसके लिए आप ब्लैंक का यूज करेंगे, है ना, और इसी में अगर ये बोलता है x इज ग्रेटर देन 1 तो आप इसका क्या करते 1 लेते और इस पर ब्लैंक मार देते। ब्लैंक क्यों मार देते भाई, x 1 से ज्यादा है, 1 के बराबर नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब इसके आगे जो भी होगा वो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, बात समझ रहे। तीसरा पॉइंट आपको क्या, अच्छा सर ये तो समझ गए, अब हमको ये बताइए कि अगर इस तरह का रहा 1 2 3 इस तरह तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखने का कैसे, इसको आप इसको ये जब दिए तो आप नंबर लाइन पर दर्शा दिए, अभी नंबर लाइन पे इसको दर्शाना था x belongs to, बताओ 1 को लेना है कि नहीं लेना है,
लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक दिया रहेगा ठीक है। और दुख लेना है कि नहीं लेना है, तो जब लेना है तो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन इंटरवल की क्लोज क्लोज इंटरवल, तो यह हो जाएगा वन से लेकर कहाँ तक, दो तक। ये बीच का भी नंबर है, वन भी है दो भी है, एक और दो शामिल कर दिया, इसके बीच का भी नंबर हो गया। और अभी तक काम नहीं खत्म हुआ तो हम क्या लगा देंगे, यूनियन। अभी काम प्रोसेस में है तो उसको हम क्या लगा देंगे, यूनियन। और जैसे ही यूनियन लगाए बच्चों, तो ये बताओ दो को हम शामिल, दो और तीन लिख दिए, तो दो को शामिल करेंगे नहीं करेंगे, शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ ब्लैंक है, तो ब्लैंक के लिए हम लोग शामिल करेंगे, तो कौन सा लेंगे, ये ब्रैकेट। और ये तीन शामिल नहीं है, इस पर ब्लैंक देख रहे हैं, इस पर क्या है, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, तो इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट। बात समझ रहे हैं, अब ये बात आपको समझ में आ गया। तो एक बात और, अगर कल को इस ढंग से रहा, इस ढंग से, और यहां पर रहा एक, यहां रहा दो, यहां रहा तीन, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x belongs to curly bracket 1 2 3 लिख देंगे। हाँ सर ये क्या कर दिए, क्या कर दिए, ये क्या कर दिए सर, आपको अभी तक तो आप curly bracket नहीं, curly bracket कहाँ से आ गए, तो curly bracket हम लोग यूज करते हैं। तो देखो यहां से हम इसको ऐसे से तो नहीं किए, ऐसे से तो नहीं किए, इसका मतलब एक और दो के बीच का नंबर को हम डिफाइंड नहीं किए, दो से तीन के नंबर को डिफाइंड हम नहीं किए, हम सिर्फ उसी नंबर को डिफाइंड कर रहे हैं 1 2 3 स्पेशल पर्सनल। यहाँ पर देखो इसको ऐसे ऐसे लिखते थे तब हम कहते थे वन से लेकर दो तक, वन से लेकर आगे तक, वन से लेकर आगे तक, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको बीच के नंबर को डिफाइन नहीं किए, इसलिए इसमें क्या करेंगे, अगर किसी स्पेशल नंबर को डिनोट करना है तो कर्ली ब्रैकेट से, कौन ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, इसलिए हम लिखे इसको एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। ऐसा क्या, अच्छा अच्छा हम समझ गए सर, समझ गए। चलिए अब इतना बात आप समझ गए, इंटरवल आप समझ गए, इंटरवल आपको जनरली क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कहाँ होता है, जहां पर संख्या रेखा पर आपको ब्लैंक दिखे वहां क्लोज डालना है, जहां पर आपको x ग्रेटर देन के साथ इक्वल रहे वहां क्या डालना है, क्लोज डालना है। अगर x के साथ इक्वल ग्रेटर देन रहे, सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं रहे, तो वहां पर ओपन डालना है। संख्या रेखा पर ब्लैंक रहे तो वहां पर क्या डालना है, ओपन डालना है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि ये जान है डोमेन का, जान है, प्राण है, ये नहीं तो प्राण सूख जाएगा डोमेन का, और फिर मेरा डोमेन को देख, मेरा डोमेन खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे तो आगे के आगे जब क्लास हम लोग करेंगे तो मेरा ही डोमेन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा कर लेंगे बाद में, समझ रहे बच्चों। ये अभी तक हम लोग, अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं आपकी धीरे धीरे आप लेवल हाई हो जाए। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे छोटे छोटे बातें था, छोटे छोटे बात था, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल का बात होना शुरू हो गया। इस बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे कर लीजिएगा वीडियो, पहले देख लीजिए थोड़ा देर, फिर आगे बढ़ा के देख लीजिए तो समझ में आएगा, तब हम ही को ना गाली दीजिएगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर, पूरा देखो ना, पूरा देखने के बाद नहीं समझ में आए एक कमेंट कर दो कि सर समझ में नहीं आया, फिर से एक वीडियो बना दो, हम फिर से